आज हम बनाएंगे बच्चों की मनपसंद माइक्रोनी पास्ता। बिल्कुल भेज माइक्रोनी बनाएंगे, हरी सब्जी का यूज़ करके हेल्दी पास्ता को बनाएंगे, पास्ता माइक्रोनी को। और बनाने का तरीका बिल्कुल अलग है, कोई भी आपको इसमें बनाने के लिए बहुत सारा चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है। बिल्कुल सिंपल तरीके से आप हेल्दी माइक्रोनी जो है बच्चे को घर में कैसे बना के खिला सकते हैं, उसकी रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ फ्रेंड आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको आज की माइक्रोनी की रेसिपी कैसी लगी। तो आइए फ्रेंड्स बिना किसी देर का रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ललिता और स्वागत करती हूँ आप सबका ललिता किचन में। माइक्रोनी या पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले ये मैं ले ली हूँ माइक्रोनी। तो ये मैं एक कप माइक्रोनी ले ली हूँ। अब इन्हें हम सिंपली बॉईल करेंगे। तो गैस ऑन करके एक बर्तन में मैं एक लीटर के करीब पानी डाल दी हूँ और पानी में बॉईल आ गया है। तो ये देखिए पानी में जैसे ही बॉईल आ जाएगा, अच्छे से जो पानी गर्म हो जाएगा, पानी में बॉईल आने लगेगा, तो इसमें आधा छोटी चम्मच डाल देंगे तेल, जिससे हमारा आपस में माइक्रोनी ना चिपके। उसके बाद डालेंगे माइक्रोनी और माइक्रोनी को अच्छे से बॉईल कर लेंगे। तो ये देखिए मैं तेल डालने के बाद माइक्रोनी को डाल दी। अब इन्हें हम एक बार मिलाएंगे डालने के बाद और इन्हें अच्छे से बॉईल कर लेंगे। बॉईल में अच्छे से ये जो है मैश होना चाहिए, ये नहीं कि कच्चा ही इसे बॉईल नहीं करना है, हमें इन्हें बॉईल कर लेना है। तो जैसे ही ये बॉईल हो जाएगा आपका जो साइज़ में है डबल हो जाएगा। अभी ये छोटे साइज़ का दिख रहा है, बॉईल होने के बाद ये इसके डबल साइज़ का हो जाएगा। तो ये देखिए माइक्रोवेव जो हमारा अच्छे से बॉईल हो गया है। अब हम गैस को ऑफ करेंगे और इन्हें पानी से छानेंगे, गर्म पानी से, और ठंडा पानी से इन्हें पहले अच्छे से धो लेंगे। ठंडा पानी से तुरंत हम धोएंगे और धो करके छान लेंगे। पहले गर्म पानी से निकाल के ठंडा पानी से हमें उन्हें धो करके अच्छे से छान लेना है। और इधर मैं वापस एक कढ़ाई गैस ऑन करके कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और कढ़ाई में दो चम्मच डाली हूँ तेल। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा इसमें डालेंगे एक चम्मच जीरा, साथ ही इसमें डाल देंगे एक कटे हुए हरी मिर्च, एक कटे हुए प्याज, एक कटे हुए आलू। तो पहले आलू प्याज को थोड़ी देर के लिए भून लेंगे, उसके बाद हम और सब्ज़ी ऐड करेंगे। तो ये देखिए आलू प्याज को मैं दो मिनट के लिए पहले भून ली हूँ। अब इसमें हम और सब्ज़ियाँ ऐड करेंगे। सब्ज़ी आप अपने पसंद से कोई भी ले सकते हैं, जो भी सब्ज़ी आपको पसंद हो। तो यहीं पे डालेंगे एक कटे हुए शिमला मिर्च, एक बारीक कटे हुए गाजर। गाजर शिमला मिर्च को भी थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। पहले आलू प्याज को भूनना है, उसके बाद गाजर शिमला मिर्च को भूनना है, क्योंकि गाजर शिमला मिर्च को बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे हम, इनका क्रंच चलाना चाहिए पास्ता में। तो ये देखिए दो मिनट के लिए मैं गाजर शिमला मिर्च को भी भून ली हूँ। अब यहीं पे हम डालेंगे एक कटे हुए टमाटर। टमाटर की मैं बीज हटा दी हूँ, बीज को आप सब्ज़ी में यूज़ कर लीजिएगा। और एक कटे हुए टमाटर को डाल दी हूँ, साथ ही डाल देंगे एक चौथाई चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, और एक चम्मच डालेंगे माइक्रोनी मसाला, जो पास्ता का माइक्रोनी मसाला जो आता है, माइक्रोनी का मसाला जो आता है वो डालेंगे एक चम्मच, और एक चम्मच डालेंगे टोमेटो सॉस। पहले इन्हें हम भून लेंगे थोड़ी देर के लिए मसाले को, उसके बाद डालेंगे टोमेटो सॉस एक चम्मच। तो ये देखिए ये थोड़ी देर में इन्हें मसाले को भून ली हूँ सब्जी के साथ। अब यहीं पे डाल दिए एक चम्मच टोमेटो सॉस, और डालने के बाद मिलाएंगे, थोड़ी देर इन्हें भूनेंगे, इसके बाद बॉईल किए हुए माइक्रोनी को डालेंगे। तो ये देखिए अच्छे से ये सब्जी जो है भुन गया है। अब यहीं पे माइक्रोनी को डाल देंगे।
ढक करके मैं 2 मिनट के लिए अच्छे से मसाले को भून ली। टमाटर भी अच्छे से गल गए हैं और सब्ज़ी भी अच्छे से गल गए हैं। अब मैक्रोनी को डालेंगे और उन्हें अच्छे से मिलाएंगे। तो बहुत ही जल्दी ये मैक्रोनी बन जाता है, 10 मिनट में मैक्रोनी बनकर तैयार हो जाएगा। तो बिल्कुल देसी तरीके से ये बना हुआ है मैक्रोनी, ढेर सारी सब्जी का यूज़ करके, हरी भरी सब्जी, रंग बिरंगे सब्जी का यूज़ करके ये मैक्रोनी जो है देखिए बन करके तैयार है। अब गैस को ऑफ करेंगे और गर्मा गर्म इस मैक्रोनी को सर्व करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, फाइनली बहुत ही जल्दी 10 मिनट में बनकर ये बिल्कुल देसी तरीके से, घर के तरीके से बना हुआ, रंग बिरंगी सब्जियों के साथ हमारा बना हुआ ये मैक्रोनी जो है तैयार है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की ये मैक्रोनी की रेसिपी बेहद पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, जिससे जब भी मैं कोई रेसिपी अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और हमें कमेंट में बताइए कि आपको आज की ये मैक्रोनी की रेसिपी कैसी लगी। फ्रेंड्स, मैं फिर मिलूंगी एक न्यू रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।